आप तस्वीर देख रहे सिर्फ जनता आवाज भारत पर के किस प्रकार की परिस्थिति, पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये अंडरपास की तस्वीर है वापी इलाके की, जो ब्रिज के बाद ये हाट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और यहाँ पर पानी भर जाने की वजह से कई सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तेज और भारी और अति भारी बारिश के चलते वापी इलाके में जलबंबाकार की जैसी परिस्थिति तस्वीर सामने आने लगी। इसका कारण है कि वापी इलाके के आसपास कई सारा पानी कई जगह पर भरा हुआ नजर आ रहा है। ये वापी के अंडरपास की तस्वीर है, जहां पर आधे के ऊपर अंडरपास जो है पानी में डूब गया है। आने जाने की जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है, यातायात को। उसका कारण है कि 10 फीट के ऊपर पानी भरा हुआ है वापी के अंडरपास में। और वो तस्वीर देख रहे सिर्फ आप जनता आवाज भारत पर कि किस प्रकार की परिस्थिति है। यातायात के लिए ये अंडरपास जो है वो बंद कर दिया गया है। और ये तस्वीर देख रहे सिर्फ आप जनता आवाज भारत पे कि किस प्रकार की परिस्थिति है। ये वापी के जीआईडीसी के जे टाइप इलाके की तस्वीर है, जहां पर घुटने के ऊपर पानी भरा हुआ है। कई सारी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है तेज बारिश के चलते। आप देख रहे तस्वीर सिर्फ जनता आवाज पर एक्सक्लूसिव। हर पल की खबर, इस प्रकार की जनहित की खबर, सावधान रहने की खबर जनता आवाज भारत आपको बारिश के दिन में देता रहेगा, बताते रहेगा जनहित के लिए। ये तस्वीर है जे टाइप इलाके की, जीआईडीसी के वापी की, जहां पर घुटने के ऊपर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। और ये जो समय है तेज बारिश का, जो 4 से 6 बजे के बीच जो है तेज बारिश आई है, और तभी जीआईडीसी से जो है सभी वर्कर जो है उनको छुट्टी मिलती है, उनका टाइम पूरा होता है। और जब बाहर निकले तो इस प्रकार का पानी ही पानी सड़क पर नजर आया है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप वापी जीआईडीसी के जे टाइप इलाके की, जहां पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। किस प्रकार की तस्वीर है देखिए, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस प्रकार की बात कहे तो गलत नहीं होगा। घुटने के ऊपर पानी नजर आ रहा है। तेज बारिश के चलते कई इलाके में पानी भरा है। वापी के आसपास के इलाके में भी बहुत ज़्यादा तेज बारिश देखने मिली है। ये जे टाइप की तस्वीर है जीआईडीसी वापी की, जहां पर घुटने के ऊपर तक पानी भरा नजर आ रहा है। देखिए किस प्रकार फोर व्हीलर आ रही है, कार जो बोनेट के ऊपर, बोनेट तक पानी नजर आ रहा है। कितना पानी है वो तस्वीर में बयां कर रही है कि वापी के आसपास के इलाके में भी तेज बारिश के चलते कई सारे जगह पर पानी भरा हुआ है। और ये तस्वीर देख रहे हैं आप सिर्फ जनता आवास भारत पर वापी जीआईडीसी की जे टाइप की। लोगों को आने जाने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अपने को खुद को मुसीबत में डालकर सड़क क्रॉस करना अनिवार्य बन गया है उनके लिए। तेज बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस प्रकार की तस्वीर सामने आई है वापी में। तेज बारिश के चलते कई सारे जगह पर पानी भरा वह तस्वीर में सिर्फ देख रहे जनता आवाज भारत पर। ये जीआईडीसी के जे टाइप की तस्वीर बता रहे हैं हम कि घुटने के ऊपर तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। ये वापी के नेशनल हाईवे नंबर 48 की तस्वीर है। ये किस प्रकार का पानी ही पानी हो गया है। ये वापी की तस्वीर है। ये वीआई से लेकर तो विशाल मोल तक का ये सड़क है, जहां पर पानी भरा हुआ है। स्लो हो गई है ट्रैफिक। उसका कारण है कि कहां पर गड्ढे है, कहां गटर है, वो समझ में नहीं आता है। बारिश के चलते लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तेज बारिश के चलते। ये जो तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, ये वीआई से लेकर विशाल मोल तक की तस्वीर थी। ये हाईवे नंबर 48 की तस्वीर है, जहां पर पानी भरा है वापी के। किस प्रकार तेज बारिश के चलते कई जगह पर जल भराव की तस्वीर सामने आई है। ये हाईवे नंबर 48 की वापी की तस्वीर है, अहमदाबाद से मुंबई की ओर जाने वाले हाईवे नंबर 48 पर पानी भरा नजर आ रहा है।
दोनों तरफ की इसी प्रकार की तस्वीर है। मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुंबई की ओर जाने वाली कई जगह पर हाईवे नंबर 48 पर सड़क पर पानी भरा नजर आ रहा है। अब वापी और आसपास के इलाके में हाईवे नंबर 48 की तस्वीर है वापी की, जहां पर जल भराव की तस्वीर सामने आई है। लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तेज बारिश के चलते। यह तस्वीर देख रहे सिर्फ आप जनता आवाज भारत। ये देखिए भिलाड़ के अंडरपास के बाद जो सरीगांव की ओर जाती है ये सड़क, जहां पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ तस्वीर में आप देख रहे हैं जनता आवास भारत पर के किस प्रकार की परिस्थिति है। दूसरी ओर जो है टेम्पो फंसा हुआ है, मिनी टेम्पो, जहां पर बारिश के चलते रिस्क नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार की तस्वीर जो इस प्रकार की पानी जल भराव की तस्वीर सामने आती है, जल भराव दिखता है, तो लोगों ने जो है सावधानी बरतनी चाहिए, राह देखनी चाहिए, उसके बाद ही अपना जो भी व्हीकल है उसको आने जाने के लिए बाहर निकलना चाहिए। लेकिन कब कहाँ जल भराव ज़्यादा हो जाए वो पता नहीं चल सकता है। इसके लिए लोगों ने सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार की तस्वीर सामने आती है, इस प्रकार का जल भराव नज़र आता है, तो लोगों ने सावधानी रखनी चाहिए, थोड़ी राह देखनी चाहिए कि बारिश कम हो जाने के बाद, तेज़ बारिश जो होती है तो उसके बाद जो है जल भराव होने की शक्यता ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है पानी भरने का। तो जब निकाल होता है वो पानी का, जब पानी कम होता है, स्तर कम होता है, उसके बाद ही व्हीकल को आने जाने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो राह देखनी चाहिए, नहीं तो इस प्रकार की तस्वीर, इस प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार जो है आपका वाहन जो है वो फंस सकता है। यह तस्वीर देख रहे हैं आप वापी टाउन के बाज़ार की, जहां पर पानी ही पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। यह तस्वीर सभी तस्वीर पल पल की खबर जनहित के लिए जनता आवाज भारत पर ही देख रहे हैं कि किस प्रकार जल भराव तेज बारिश के चलते वापी के आसपास के इलाकों में नज़र आ रहा है। दुकानों में भी पानी भरा है, इस प्रकार की तस्वीर आई है सामने वापी बाज़ार की, जहाँ पर वापी टाउन इलाके की तस्वीर है, जहाँ पर दुकानों के बीच आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि किस प्रकार जल भराव, किस प्रकार पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। कई सारा माल सामान का नुकसान भी अंदेशा जताया जा रहा है। ये दुकान के अंदर पानी भरा हुआ वापी टाउन के वापी बाज़ार इलाके में, जहाँ पर दुकान के अंदर पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे सिर्फ जनता आवाज भारत पर। इस प्रकार की जनहित की खबर जनता आवाज भारत बताते रहेगा। ये जल भराव की तस्वीर है वापी टाउन इलाके की, जहां पर दुकानों में पानी भर गया है, और ये तस्वीर देख रहे सिर्फ जनता आवाज भारत पर। पूरे वापी इलाके के आसपास की तस्वीर आपको जनता आवाज भारत में बताई। सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, जहां पर जल भराव की परिस्थिति ज़्यादा नज़र आती है तो सावधानी बरतना आवश्यक हो जाता है। अपनी जान को मुसीबत में नहीं डालनी चाहिए, सावधानी बरतना बहुत आवश्यक हो। खबर जनता आवाज भारत बताते रहेगा। देखते रहिए सिर्फ जनता आवाज भारत पर बारिश की पूरी तस्वीरें, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जनता आवाज भारत को, और इस प्रकार की जनहित की खबर जनता आवाज भारत बताते रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज भारत।